ये देखो कैसे नाच रही है, दिख रही है? ओ भाई और बढ़ते जा रहा है। ये देखो ये होता है वॉबलिंग चलाने का, ये बोलना मतलब रास्ता चौड़ा करने के लिए आप पेड़ों की ऐसी की तैसी कर रहे हो। ये क्या बकर है भाई? भाई अब तक का सबसे फास्ट पेट्रोल डलाया हूँ। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकट व्लॉग्स। और मैंने अपना वादा पूरा किया, फाइनली मैं सैटरडे को भी व्लॉग कर रहा। नॉर्मली मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 वीक से मैं सैटरडे को बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन इस बार बना रहा क्योंकि हमारे पास गाड़ी है और भाई सामने से रास्ता ब्लॉक है। ये क्या बकर है भाई? अरे यार वही तो बात है, इन लोग नाली बनाना भूल जाते हैं रास्ता बनाने के बाद। चलो ना भाई कहाँ कूदा पाओगे। गलत बात भाई, गलत बात। देखो व्लॉग की शुरुआत क्या खतरनाक हुई है भाई हमको रोक दिए सीधा। यही है वो रास्ता, उस साइड से हमारे थे, अब इधर से घूम के आना पड़ा हमको। अरे यार अरे पाइप डालना भूल गया भाई, एक तो वैसे इतना बदनाम है ना इन लोग, गवर्नमेंट मतलब इन लोग आई मीन गवर्नमेंट इतनी बदनाम है ना कि सब चीज़ हो जाता है फिर। अरे हम तो भूल गए कि पाइप भी डालना था। चलो वो सब बात को छोड़ते हैं, आपका व्लॉग में स्वागत है। कल रात को हम पहुँचे थे रायपुर से बिलासपुर, कल रात को थोड़ा बहुत बिलासपुर घूमे, फिर आज मैं उठा 10 बजे क्योंकि 10 बजे मेरा क्लास रहता है, सैटरडे संडे वो अटेंड किया, फिर मैं फिर से सोया थोड़ा सा, मतलब सोया इन द सेंस आराम किया और सीधा घर जा रहे हैं अपन अभी फिलहाल। चलो आज मेरा सपना पूरा हो गया भैया सैटरडे को व्लॉग करने का मतलब इस वीक कोई गैप नहीं होगा, मेरे को अच्छा लगेगा बस वीडियो टाइम से एडिट हो जाए, टाइम से अपलोड हो जाए, और क्या ही चाहिए मुझे। 2018 के बाद से ना ये 19, 20, 21, 22 इधर जितने भी गाड़ियाँ हैं ना एकदम ख़त्म करती है भाई, ना पावर है ना साउंड है ना कुछ है, तो मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने का। ये बाप रे बच्ची बच गई, वो पल्सर वाला घुसा दिया था अभी। गाइस देखो ये किया कैरेंस के पीछे में एक लोगो लगा हुआ है ICOTY, उसका मतलब होता है इंडियन कार ऑफ द ईयर, एंड मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये है कि नहीं, लेकिन लगा हुआ है तो होगी भाई, हमको क्या पता। मैं उतना कार्स में नहीं हूँ ना, सिर्फ बाइक पे ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, कार्स पे सिर्फ एक ही पसंद है तुम लोगों को तो पता है, थार। थार के सिवा कुछ नहीं भाई। हेलो अपने को ना थोड़ी बड़ी बड़ी कार चाहिए, या तो अगर फिर छोटी चाहिए तो भैया ज़मीन से चिपकी हुई कार चाहिए, तो समझ रहे हो, या तो ज़मीन से बहुत ऊंची उठी हुई चाहिए या तो एकदम ही चिपकी हुई चाहिए, ऐसा तो चाहिए भाई अपने को, वो जो बीच का होता है ना वो नहीं चाहिए। वाले कैसे कर रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है? तो गाइज अभी सीन ऐसा होता है ना कि आजकल मेरे को ये बुलेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, क्यों बता रहा हूँ, मैं स्कूटी चलाता हूँ बुलेट चलाता हूँ, मेरे को स्कूटी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि देख रहे हो वॉबलिंग, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, देखो 60 की ही स्पीड है, मैं अपने 60 की स्पीड में स्कूटी को चलाता हूँ इतना स्टेबल चलता है, लेकिन अगर बुलेट को देखे, ये देखो हैंडल कैसे नाच रही है, दिखा सिर्फ 60 की स्पीड है भाई, सिर्फ 60 की, लो फिर से 60 में चढ़ाया, ये देखो कैसे नाच रही है, दिख रही है? ओ भाई और बढ़ते जा रहा है। ये देखो ये होता है वॉबलिंग, तो ये वॉबलिंग का इशू ना ये 350 में काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मेरे को 350 आजकल बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो ये वॉबलिंग का इशू ना ये 350 में काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मेरे को 350 आजकल बिल्कुल पसंद नहीं आता, वैसे थोड़े मेंटेनेंस में ये भी ठीक हो जाए। अरे बाप रे बाप रे कितनी हिल रही थी, देखे तुम लोगों को तो फील नहीं होगा, तुम लोगों को सिर्फ हैंडल हिलता हुआ दिख रहा होगा, भाई मैं फील कर रहा हूँ चक्का पूरा ऐसा ऐसा हो रहा था सिर्फ 60 के स्पीड में।
कितना जल्दी जल्दी दिन ख़त्म होता है लग रहा है। अब गए समझो कल रात को मैं आया हूँ, इतने टाइम मैं जा रहा हूँ, अभी 5:30-6 हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, और सेम टू सेम कल भी होने वाला है कि इतने ही टाइम मैं यहाँ से बिलासपुर पहुँच गया हूँ एंड मैं ट्रेन पकड़ने के लिए वेट कर रहा हूँ। भाई ये स्ट्रेस ना मेरे को सबसे अच्छा लगता है। देखो सन भी है, रोड भी एकदम सीधा है, आसपास ग्रीनरी भी है, मस्त हवा भी चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं, एटलीस्ट रास्ता भी क्लियर दिखता है, तो ये स्ट्रेस ना मेरे को बहुत पसंद है। तो गाइस चलो मैं थोड़ा सा पेट्रोल डला लेता हूँ बाइक में, क्योंकि मैं डलाया नहीं था और मेरे ध्यान से हट गया था, तो अभी मेरे को याद आया पहुँचने के बाद कि थोड़ा सा डला लिया जाए। हालांकि मैं पहुँच गया, मेरे को डलाने की ज़रूरत नहीं, मेरे भाई जो पप्पा जी डलवाएंगे ना, लेकिन नहीं यार डला लेते हैं। भाई अब तक का सबसे फास्ट पेट्रोल डलाया हूँ लग रहा है मेरे को, अब तक का लिटरली मेरे लाइफ का सबसे फास्ट, पता ही नहीं चल कब कब वापस खड़ा हुआ, पेट्रोल डाला निकल गया मैं, इतना जल्दी हुआ है भाई, इतना जल्दी हुआ है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है आपस, ओहो बोलना मत, रास्ता चौड़ा करने के लिए आप पेड़ों की ऐसी की तैसी कर रहे हो, आई गेस वही हो रहा है। हाँ वही हो रहा है भाई। अरे यार पेड़ को मत काटा करो भाई, रोड अच्छा बना दिए करो, ऑटोमेटिक ट्रैफिक वो हो जाएगा, अब गड्ढे गड्ढे रास्ते में कहाँ से कोई ठीक से चला पाएगा, तो वैसे भी ट्रैफिक होता ही है, देख लो अब जितना है उतना तो कर सकते हो, पेड़ को मत काटो ना भाई, पूरा खाली कर देते हैं यार, मज़ा नहीं आता, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं मेरे, इतना अच्छा लगता है जब पेड़ ऐसे रहता है, बीच से रास्ता रहता है, कितना अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, अब हमारे हाथ पे थोड़ी ना, गवर्नमेंट ही जब इस बारे में नहीं सोच पा रही है इतना सब कुछ होने के बाद, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और बाद में बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, भाई जब गवर्नमेंट ही बोलती है पेड़ लगाओ और खुद काटती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करो। चलो छोड़ो राजनीति में मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मेरे ख्याल से अब मैं घर चले जाऊँगा और थोड़ा आराम करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा, बस इतना ही करूँगा। सो मेरे ख्याल से मैं ब्लॉगिंग ही बस एंड करूँगा इस वजह से। सो मिलते हैं गाइस किसी और व्लॉग के साथ किसी और, तब तक के लिए दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू आर वाचिंग अनकट व्लॉग्स। मिलते हैं कल जाएंगे हम वापस रायपुर, बाय।